ये रियर कैमरा मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है ब्रेक लाइट के नीचे। आइए अंदर से देखते हैं। ये आपका मेन IRBM यूनिट है जिसमें से आप सारा कुछ एक्सेस करने वाले हैं। ये मैंने मंगाया था नेक्स्ट डिजिटॉन से, वहाँ मुझे 10% का डिस्काउंट मिला था। आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। इसे कुछ की फीचर हैं। ये इसका मेन इंटरफेस है, इसमें नीचे की ओर पावर बटन दिया हुआ है और माइक दिया है, पीछे की ओर कैमरा है, बीच वाला हीट वेंटिलेशन के लिए ये वाला, और इधर ये पार्ट आपका स्पीकर है। ऊपर की ओर देखेंगे तो फर्स्ट वाला पावर का पोर्ट है, सेकंड वाला रियर कैमरा का पोर्ट है, और जो थर्ड वाला है उसमें MicroSD कार्ड लगेगा आपका। इसमें रिकमेंडेड है आप क्लास 10 की MicroSD कार्ड इंस्टॉल करें। चलिए मैं इसको लगा करके दिखाता हूँ। पीछे वाले स्ट्रिप की मदद से इसको आप लगा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता इसमें, इवन आप ख़राब रास्तों पर चलेंगे तो भी ये हिलेगा नहीं। मैंने ऊपर के पोर्ट्स लगा दिए हैं। ये वाला पावर का पोर्ट है, ये वाला रियर कैमरा का पोर्ट है, और वायरिंग इसका मैंने पहले ही कर लिया था। ये आपका जो रूफ लाइनर देख रहे हैं आप, यहाँ से मैंने जो पावर का वायर है वो नीचे की तरफ से ये पिलर से होते हुए इधर से लेकर आया और ये यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। ये वायर आप देख सकते हैं कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। और जो रियर कैमरे का वायर है वो इस कॉर्नर से पिलर्स के ऊपर से मैंने वहाँ पीछे इंस्टॉल कर दिया। और जो एक्स्ट्रा वायर थी मैंने वहीं पर ही उसका बंच बना करके उसको टेप कर दिया। मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। चालू करने के लिए आपको ये DC सॉकेट जो दिया हुआ है आपको इसमें प्लग करना है और ये ऑन हो जाता है। जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया यहाँ ब्लू लाइट जल्दी और ये ऑन हो गया। ऑन होते ही ये रियर का कैमरा ऑन कर देता है। SD कार्ड एरर। मैंने SD कार्ड निकाला था इसमें और अभी दोबारा डाला है, इस वजह से शायद एरर बता रहा है। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब जब भी इसमें नया SD कार्ड लगाएं उसको एक बार फॉर्मेट कर लें ताकि ये अपने हिसाब से फोल्डर्स वगैरह बना ले। SD कार्ड एरर। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा टच स्क्रीन इंटरफेस है। सेटिंग में जाना है आपको और ये स्टोरेज फॉर्मेट पे क्लिक करना है। मेमोरी कार्ड इज इनिशियलाइजिंग, प्लीज डू नॉट शट डाउन और रिमूव द कार्ड। और रियर कैमरा मैंने जिस जगह पे इंस्टॉल किया है वैसे यूजर मैनुअल पे रिकमेंडेड था वो लोकेशन, क्योंकि मेरा एक हैचबैक है तो यहाँ से मुझे एक बेटर व्यू मिल रहा था और एक मैंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर इंस्टॉल किया था। आप चाहे तो नंबर प्लेट के पास भी लगा सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है और जैसे मैं बैक गियर इंगेज करूँगा और ये मैंने बैक गियर लगाया और यहाँ पर पीछे का गाइडलाइंस भी आपको दिख रहा है और ये स्विच हो जाता है अगर आपका फ्रंट कैमरा भी ऑन है। जैसे बैक गियर मैं लगाऊंगा ये पीछे कैमरा ऑन कर देगा। नॉर्मल व्यू अलग है और पार्किंग व्यू अलग है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना ये कभी कभी इसकी जो वॉइस होती है बहुत अनोइंग लगती है, बहुत लोगों को वो पसंद नहीं होती, तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं सेटिंग में जा करके। ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन है ना इसको आप ऑफ कर देंगे
तो ये जो ऑन ऑफ होता है ना, और जो बीच बीच में वार्निंग जो भी वॉइस होती है, ये पूरा ऑफ कर देगा। अगर इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो 70mi का जो आता है उससे काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको परचेस किया है और मैंने सोचा कि एक रिव्यू भी डाल दूं। मैंने हालांकि एक वीडियो इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था, बट मैंने कहा कि इसको यूज़ करने के बाद ही मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूँ। इसमें फ्रंट में जो अपर्चर मिलता है 1.4 का है, मतलब वो जितना कम होता है ना लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब ज़्यादा डिटेल आपको मिलता है। मैं आपको सैंपल भी दे दूँगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है लो लाइट में, डे लाइट में, आप वीडियो के एंड में देख लीजिएगा उसको। और एक दो जो प्रॉब्लम मुझे लगी अभी तक इसमें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि इसकी बैटरी मैं अभी 3 दिन से कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहा हूँ, 4-5 घंटे मैं दिन में इसको चालू रखता हूँ, अभी तक इसकी बैटरी चार्ज नहीं हुई सही तरीके से। जैसे अभी मैं इग्निशन ऑफ करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। इसकी जो सेल्फ की बैटरी होती है उसमें ये रियर कैमरा डिटेक्ट नहीं करता, हालांकि मैंने सेलर से कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था रियर कैमरे वाले प्लग को आप अच्छे से लगा करके देखो। मैंने उसको 3-4 बार लगा करके देखा, बट ये प्रॉब्लम अभी भी है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आपका डाउनलोडिंग ऐप एक्सेस से रिलेटेड है, वो ऐप जो इसका सही तरीके से काम नहीं करता, आपको ऐप बंद करने में दिक्कत होगी कई बार। और डाउनलोड तो वीडियो एक ही बार हुआ था मेरे से, दोबारा तो वीडियो डाउनलोड हुआ ही नहीं। हो सकता है होपफुली कंपनी इन फ्यूचर उसको सॉल्व कर दे। फिलहाल मुझे ये मार्केट में सबसे बेस्ट कैमरा लगा था, और इनफैक्ट बेस्ट है भी अभी के हिसाब से जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए अभी दो पॉइंट बता रहा था इसमें बैटरी, अभी एक हो गया, ये ज़्यादा देर नहीं चलती है अभी तो, फिर भी चल गया, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है। बैटरी बैकअप इसका कंपनी ने बताया है 20 मिनट के आसपास, बट ये उतना चलता नहीं है। अगर मैं इसको राइट स्वाइप करता हूँ रियर कैमरा के लिए, तो रियर कैमरा डिटेक्ट नहीं करता। रियर कैमरा कब डिटेक्ट करता है? जब मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। मैं जैसे इग्निशन ऑन करूँगा ये रियर कैमरा डिटेक्ट कर लेगा, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रंट रियर स्विच हो रहा है। लेकिन जैसे मैं ऑफ करता हूँ इटसेल्फ ये पहले तो ऑफ हो जाता है, ये देखिए रियर कैमरा नॉट डिटेक्टेड, और ये शट डाउन भी हो जाएगा शायद जल्दी। इसमें आप जो कैमरा है उसको आप इजिली ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये लेफ्ट वाला जो बटन है ना, सॉरी जो लेफ्ट साइड है, आप वहाँ ऊपर नीचे करेंगे तो इसके एंगल को आप वर्टिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैसे ही पीछे की तरफ भी होता है। बंद हो जाए कैमरा, इससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये ऑन हो गया, रियर कैमरा व्यू आ गया। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका व्यू एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कैमरे को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो इसका राइट साइड है वो ब्राइटनेस का है, ये देखिए, पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है या नहीं। ये ब्राइटनेस डाउन हो गया, ये अप हो गया। सेटिंग में पहला ऑप्शन वाईफाई का है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे भी माइक ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। तीसरा वाला वॉल्यूम का है,
जो ये चालू बंद होता है वो आवाज़ आप चाहते हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा या बंद कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने का है, ये स्क्रीन ऑन ऑफ करने का है। अगर आप चाहते हैं कि 30 सेकंड या 60 सेकंड या 180 सेकंड बाद ये स्क्रीन ऑफ हो जाए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जी सेंसर की सेंसिटिविटी का है। ये कैमरा फ्लिप का ऑप्शन है, इसमें आप कैमरा फ्लिप कर सकते हैं, पीछे वाला जो कैमरा आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ये आपका पार्किंग कैमरा एडजस्ट करने का है, आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये पार्किंग मॉनिटरिंग का फीचर है, ये आप हार्डवेयर किट लगाने के बाद ही ये इनेबल होगा। ये स्टोरेज फॉर्मेट का, ये रीसेट का है और ये अबाउट का है। अबाउट में ये सब डिटेल्स आपको मिलती है, फर्मवेयर वर्जन मिलता है, मॉडल नंबर मिलता है, वाईफाई का पासवर्ड और ये ऑफिशियल वेबसाइट, कस्टमर सर्विस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप पार्किंग कैमरा की क्लियरिटी नाइट में देख लीजिए कैसा है। ये मैं रिवर्स गियर डाला, अभी रात का समय है, स्ट्रीट लाइट ऑन है, ये नॉर्मल व्यू, ये मैंने पार्किंग में इंगेज किया। जैसे ही आप रिवर्स गियर इंगेज करते हैं ये तुरंत ऑन कर देता है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा ऑफर मिले तो आप वहाँ से ले भी सकते हैं, अदरवाइज अमेज़ॉन पे तो मिल ही रहा है। और वीडियो सैंपल मैं डाल देता हूँ, क्लियरिटी मुझे अच्छी लगी, आपको भी मैं दिखा दूंगा डे की नाइट की, मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं सैंपल, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। Thank you.